बाकी नेबरिंग कंट्रीज के भी आर्मी के साथ हम मैचेस खेलते हैं। कुछ ग्रुप्स के बारे हम जरूर बात करेंगे, कुछ डार्क हॉर्स के बारे जरूर बात करेंगे, और हाँ हम ये भी बात करेंगे कि भाई क्या क्या दिक्कतें लास्ट टाइम हुई थी और इस टाइम वो चीज ना हो। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मेरा नाम है श्रेयान सिन्हा और आप देख रहे हैं फुटबॉल टाइम्स। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं तुरंत कप के बारे में, क्योंकि 133rd एडिशन होने वाला है तुरंत कप। एंड जो जिसका ब्रॉडकास्टिंग किया जाएगा सोनी स्पोर्ट्स में, अगर आप फ़ोन में देखें तो सोनी स्पोर्ट्स के किसी भी आप देख सकते हैं चैनल पे, प्लस अगर आप कोई ऐप में देख रहे हैं तो सोनी लिव ऐप में वो मैच स्ट्रीम होंगे एंड वो बिल्कुल फ्री होंगे। तो आइए थोड़ा बात करते हैं कि तुरंत कप कब चालू हुआ था। 1888 में तुरंत कप चालू हुआ था, हेनरी मोर्टिमर तुरंत ने चालू किया था। ये पर्टिकुलरली ये टूर्नामेंट था फॉर ओनली आर्मी रेजिमेंट टीम, वो भी ब्रिटिश आर्मी की टीम थी। बट विद टाइम ये चेंज हुआ एंड अभी जिस किस्म का है यहाँ पर हम बाकी नेबरिंग कंट्रीज के भी आर्मी के साथ हम मैचेस खेलते हैं रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए विद द नेबरिंग कंट्रीज। तो आइए अब हम देखते हैं, कुछ ग्रुप्स के बारे हम ज़रूर बात करेंगे, कुछ डार्क हॉर्स के बारे ज़रूर बात करेंगे, और हाँ हम ये भी बात करेंगे कि भाई क्या क्या दिक्कतें लास्ट टाइम हुई थी और इस टाइम वो चीज़ ना हो। तो आइए चलिए पहले हम ग्रुप्स देख लेते हैं। तो चालू करते हैं ग्रुप ए से। ग्रुप ए में है ईस्ट बंगाल, इंडियन एयरफोर्स, मोहन बगान और डाउन टाउन हीरोज़। बाकी तीन टीम्स को तो आप जानते ही, इंडियन एयरफोर्स को भी जानते हैं, दिल्ली दिल्ली डिवीज़न खेलते हैं ये, प्लस आई लीग भी खेलते हैं। डाउन टाउन हीरोज़ का अगर मैं बता दूँ, डाउन टाउन हीरोज़ जम्मू कश्मीर की टीम है, काफ़ी यंग और थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की टीम है। मैं देखा इनका गेम, लास्ट टाइम भी देखे थे हम लोग, एंड होपफुली इस साल वो बेटर कुछ परफॉर्म करे। ग्रुप बी की बात करो तो ऑब्वियसली बात बैंगलोर एफ सी, इंडियन नेवी, इंटर, काशी, मोहम्मद स्पोर्टिंग। इंडियन नेवी टीम भी सेम अपना दिल्ली में ही खेलती है और इंटर काशी अभी भी बनाई गई है, इनमें कुछ बहुत बेहतरीन प्लेयर्स हैं, निकुम है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो जिनका परफॉर्मेंस देखने को बहुत सारे अलग अलग क्लब से ट्रांसफ़र होकर उस क्लब में गए हैं, तो वो उनका गेम देखना बनता है। इंटर काशी को भी मेरा नज़र रहेगा उन पर। ग्रुप सी में CISF की टीम है, केरला ब्लास्टर्स है, मुंबई सिटी है एंड पंजाब है। ये थोड़ा सा टफ टीम है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, यहाँ पर देखते हैं कौन क्वालिफाई करेगा, क्योंकि केरला भी है, मुंबई भी है, पंजाब भी है, कोई कुछ बोल नहीं सकते। CISF की भी टीम है बट लेट्स सी विद टाइम हमें पता चल जाएगा। फिर ग्रुप डी में हम बात करते हैं, ग्रुप डी में है बांग्लादेश की आर्मी है, चेन्नई FC है, इंडियन आर्मी एंड जमशेदपुर FC है। जमशेदपुर FC लास्ट टाइम भी काफ़ी यंग लड़के लोग को उतारे थे, इंडियन आर्मी की टीम बहुत इंप्रेस की है, इनकी कुछ इनके कुछ प्लेयर्स हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है, स्ट्राइकर हो गए, विंगर्स हो गए, दो तीन हैं। जब मैच चालू होगा उसका जब मैं रिव्यू करूँगा ओवरऑल तो उसमें मैं ज़रूर बताऊँगा। तो इंडिया टीम काफ़ी बढ़िया है एंड काफ़ी अच्छा प्लेइंग स्टाइल है, एंड ऑब्वियस बात है बांग्लादेश आर्मी टीम के बारे भी हम देखेंगे इनकमिंग टाइम। फिर ग्रुप ई का अगर हम बात करें तो इसमें है बोडोलैंड FC, बोडोलैंड FC ऑब्वियस बात, BSF, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एंड ओडिशा FC। ओडिशा FC एंड बोडोलैंड अगेन लास्ट टाइम भी साथ में ही मैच खेले थे, ओडिशा FC के यंग लड़के लोग को उतारा गया था, बोडोलैंड के लोकल लड़के लोग को उतारा गया था, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स थे बोडोलैंड के। एक दो प्लेयर जो मेरे को मेरे दिमाग में आ रहा है, अर्जुन हो गया, जॉय हो गया, जो हो गया सॉरी अर्जुन जो, और भी प्लेयर्स हैं बोडोलैंड, काफ़ी बढ़िया टीम है, मैंने देखा था, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है पानी में खेलने का, और जिस किस्म का गेम हम जहाँ खेलने वाले हैं वहाँ पर बारिश बारिश भी हो सकता है। तो लेट्स सी, लास्ट ग्रुप हम पे आते हैं, ग्रुप एफ है, FC गोवा, हैदराबाद FC, शिलोंग लेजोंग एंड त्रिभुवन आर्मी। तो हैदराबाद FC का थोड़ा सा डामाडोल है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्लेयर बचे ही नहीं है, ये पता नहीं कौन सी टीम को उतारेगी, रिजर्व टीम, यंग लड़के, किसको उतारेगी नहीं पता है। अभी भी कुछ नोटिस आया नहीं है कि कौन प्लेयर्स है क्या है, जब पता चल जाएगा ज़रूर मैं शेयर करूँगा। तो ये रहा, ये लिस्ट है प्रॉपर जो कि खेलेगी, 24 टीम खेलेगी, चार सिटीज़ में मैच होगा, कोकराझार, कोलकाता, फिर जमशेदपुर एंड आपका शिलोंग में। हाँ तो ये थी 24 टीम है जो कि चार सिटीज़ में खेलेगी, कोकराझार कोलकाता जमशेदपुर एंड शिलोंग, ये चार जगह पे मैचेस होंगे। एंड लास्ट ईयर से अभी अगर कंपेयर किया जाए, लास्ट ईयर बहुत सारे इश्यूज हुए थे बोडोलैंड के मैचेस में, बहुत इशू हो गए थे, फिर कुछ अलग अलग मैचेस में भी इशू होते थे, रेफरी का डिसीजन बहुत मायने रखता है। इस बार होपफुली एक बेटर
रेफ का डिसीजन मेरे को देखने को मिलेगा, प्रॉपर इन्विजिलेशन होगा, ऑफिशलिंग होगा, सब कुछ प्रॉपरली होगा। एंड बारिश में हम जिस किस्म का गेम, हम ऑब्वियस बात है इतना बारिश में तो गेम नहीं होना चाहिए कि भाई पूरा फील्ड पानी पानी हो गया, बॉल भी रोल नहीं हो रहा है, लास्ट ईयर गेम कैंसिल भी हो गया था, बट इस साल आई होप ऐसा कुछ ना हो क्योंकि बारिश वाला इलाका में हम गेम खेलने वाले हैं एंड एक्सपेक्टेड है कि अब ट्रेन भी होगा, तो होपफुली ये रहा। तो आप किस टीम को सपोर्ट करें ज़रूर कमेंट करके बताइए एंड देखते रहिए द फुटबॉल टाइम्स।